तो आज हम मल्टी डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 16 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे अपडेट चैट्स इन चैट ग्रुप्स। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जैसे लाइक हमने डैशबोर्ड में अगर आते हैं तो लाइक मैं यूजर्स के साथ जब चैट करता था कुछ इस तरीके से ही हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से ही वर्क करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम करते क्या हैं, अपने व्यूज के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो है मॉडल सेटअप करना होगा। तो लाइक मैं ग्रुप यहाँ पर चैट ग्रुप्स, ठीक है, चैट ग्रुप्स के अंदर आऊँगा, जहाँ पर मेरे को अपना बेसिकली मॉडल ऐड करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक यही है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक मॉडल ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए मैं मॉडल जो है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो हम आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पर आपको हमने लास्ट लेक्चर में तो डिलीट का किया था। अब लाइक मैं एडिट वाला और कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो है चैट एडिट, तो ये सभी पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर बस हम ये है कि कुछ क्लासेज एंड आईडीज को जो हम चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे और इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इस मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा। लाइक यहाँ पर मैंने कर लिया लाइक एडिट ग्रुप चैट मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर एडिट चैट ही रहेगा। लाइक इसका नेम मैंने कर दिया लाइक अपडेट ग्रुप चैट फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पर इनको हम कुछ आईडी दे लेते हैं लाइक अपडेट ग्रुप मैसेज आईडी। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपडेट ग्रुप मैसेज। एंड यहाँ पर आपका ये तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें करना क्या होगा, बेसिकली जो एडिट आइकन है वो बेसिकली हमें यहाँ पर ऐड करना होगा अपने ग्रुप चैटिंग के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं अपने पब्लिक js एंड देन आपका मेन डॉट js। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में देखोगे हम एडिट आइकन कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे थे लाइक ये रहा। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि जिससे कि हमें टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट कॉपी कर ले रहा हूँ। हालांकि बस इसमें FA आइकन चेंज होगा अगर आप नीचे आते हो लाइक ग्रुप चैटिंग के अंदर। ठीक है, जहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट स्टार्टेड है, ग्रुप चैट स्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो जस्ट जहाँ पर हमने ट्रेस वाला लगाए हुए लाइक इस ट्रेस को ही लाइक यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो, बस आप आइकन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैं कर ले रहा हूँ, लाइक वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, यहाँ पर जस्ट आपको कर देना है। एंड यहाँ पर होता है लाइक एफ ए आइकन आई थिंक एडिट का था। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको हम कुछ मतलब कुछ हम क्लास दे लेंगे लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया एडिट ग्रुप चैट। ठीक है, जैसे उसमें डिलीट ग्रुप चैट था। अब यहाँ पर आपकी आईडी तो जाएगी जाएगी, ठीक है, जो कि आप रखना चाह रहे हो। ठीक है, एंड साथ में आप एक क्या करोगे, मैसेज और प्रोवाइड करोगे। लाइक मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कर लिया, थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक डेटा MSG करके। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपका मैसेज होगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हम मैसेज कैसे स्टोर कराएंगे, ये जो आपका मैसेज चल रहा है ना यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया मैसेज इसके अंदर, एंड यहाँ पर आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी आपको। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपका मॉडल ओपन होगा वो आपका होगा ये जो है एडिट ग्रुप चैट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस को उठा करके अपने चलते हैं अपने लोड ग्रुप चैट्स के अंदर। ठीक है, जहाँ पर आपका बेसिकली चैट्स लोड हो रही है, तो उधर भी हमें ऐड करना होगा। तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि आपका बेसिकली डिलीट वाला चल रहा था, मैंने सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बट हमें क्या करना होगा, ये इस तरीके से हमें यहाँ पर एरे का पास करना होगा। ठीक है, तो चैट आईडी गई हमारी, एंड आपका मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मैसेज यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देन यहाँ पर भी आपका एडिट ग्रुप चैट मॉडल ओपन होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी बेसिकली रेडी हो रहा होगा। ठीक है, जब तक के लिए हमें करना क्या है, बेसिकली नीचे आकर के हमें अभी वर्किंग करनी है। तो आई थिंक लोड हो चुका होगा, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक अभी नीचे स्क्रिप्ट क्या होगी, यहाँ पर अभी पहले चेक करके दिखा देता हूँ। अगर लाइक मैं आता हूँ ग्रुप चैट्स के ऊपर, एंड देन यहाँ पर देख सकते हो ये आपका सही आ रहा है। ठीक है,
बट यहाँ पर अभी देखोगे लाइक अगर आप चाहो तो इसका बर्थ वगैरह सेट कर सकते हो। पूरी फिलहाल में मैं नहीं कर रहा हूँ, आप तो कर लीजिएगा, इतना तो डिजाइन कर सकते हो आप। ठीक है, लाइक करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइक इसको यहाँ पर जो है कुछ क्लासेस दे सकते हो, लाइक क्लास डब्लू हाइफन अंडर। ठीक है, तो ये थोड़ा बर्थ पूरी कवर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ठीक है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर हमें ये करंट मैसेज शो कराना होगा एंड देन फॉर्म सबमिट करना होगा, मतलब अपडेट कराना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और मैं चाहूंगा कि लाइन बार बार मेरे को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है मतलब जो डिलीट वाला था सेम टू सेम, इसको जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एजेक्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ अपडेट चैट मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पर अपडेट ग्रुप चैट मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी आप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कीजिएगा, मैं करने के वाला हूँ। जब क्लिक होगा किस पर क्लिक होगा, आपके एडिट ग्रुप चैट पर, जो कि अभी हमने आईडी दी हुई है, आई थिंक आपको पता होगा, एंड सॉरी क्लास दी हुई है एडिट ग्रुप चैट, क्योंकि ये बेसिकली पेंसिल आइकन को है। ठीक है, मीन्स एडिट वाले को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली सबसे पहले जो आपने इसको क्लास दी हुई है उसमें से हमें क्या करना होगा, आईडी एंड मैसेज निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक सबसे पहले हमें कहाँ पर सेट करना होगा, इसके अंदर हमें बेसिकली आईडी सेट करनी होगी कि किसको आप अपडेट करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये हैज एडिट ग्रुप मैसेज आईडी। अभी आप इसको नीचे वाले को इग्नोर करें, अभी नीचे वाले पर मैं काम करूंगा। ठीक है, तो डॉट वेल एंड यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लाइक डॉलर एंड दिस, क्योंकि हमें इसका एक एट्रीब्यूट उठाना होगा जो कि डेटा आईडी है। ठीक है, तो ATTR डेटा आईडी। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका आईडी उठाएगा और डायरेक्ट इसमें पास कर देगा। ठीक है, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है आपको मैसेज सेट करना है, तो लाइक इसके अंदर आपको मैसेज सेट करना होगा अपडेट ग्रुप मैसेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली अपडेट ग्रुप मैसेज आईडी जो है उसके अंदर क्या करो, इसका MSG डेटा MSG करके उठाओ और एंड यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, अभी देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे, अभी इसको फिलहाल में अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, लाइक मैंने अभी कमेंट कर दिया इस एजेक्स को। ठीक है, मीन्स इस फॉर्म सबमिशन को। ठीक है, तो अब मैं जो है यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि चल क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली। तो ग्रुप चैट एंड यहाँ पर देखोगे आप, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पर क्लिक करता हूँ, लाइक मैं इसको एडिट करता हूँ तो आपको वही मैसेज आएगा। ठीक है, लाइक मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हाई न्यू ईयर ये वाला आपको मैसेज सेट होने को मिल रहा है, मतलब आप इसे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें लाइक ये अनकमेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हमें किस फॉर्म को सबमिट करना है, बेसिकली इस वाले फॉर्म को सबमिट, लाइक अपडेट ग्रुप चैट फॉर्म। तो जब ये सबमिट होगा, ठीक है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट होने से बेसिकली टाइम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जब ये सबमिट होगा तो हमें क्या क्या यहाँ पर स्टोर करने की नीड है, लाइक सबसे पहले लाइक मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इन दोनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को दोनों का वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि वहां पर हम सेट कर रहे थे, अब मेरे को यहाँ पर फॉर्म सबमिशन के टाइम पर उनकी वैल्यू चाहिए होंगी कि क्या क्या उसकी वैल्यूज रही हैं। तो एक तो आपका पास आ गया आईडी, ठीक है, एक आपके पास आ गया मैसेज, जो भी आपने मैसेज चेंज किया होगा या नहीं किया होगा वो आपके इस वैल्यू के अंदर से निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे एक न्यू राउट जिसका नेम अभी हम रखेंगे अपडेट ग्रुप चैट, एंड आईडी हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, एंड यहाँ से आपका मैसेज होगा जो भी यूजर ने डाला होगा न्यू, या जो भी उसने अपडेट किया है या नहीं किया वो आपका इसमें मैसेज आ चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास सक्सेस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो फॉल्स का केस ये चल ही रहा है। अभी देखिए सॉकेट को हम अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली एडिट ग्रुप चैट मॉडल को सबसे पहले हाइड करना होगा। ठीक है, तो लाइक ये जो है ना, जब आपका मैसेज अपडेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना मॉडल को जो है हाइड कर देंगे। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ मॉडल को हाइड करने का। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अपना जो स्पेन है, लाइक यहाँ पर देखोगे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, तो यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ, तो अभी यहाँ पर देखोगे इसके मेरे को बेसिकली मतलब फाइंड करना होगा आईडी के अंदर। ठीक है, लाइक
मान के चलिए मैं इस आईडी के अंदर फाइंड करूंगा इस पेन को, और इसको मेरे को अपडेट करना होगा साथ के साथ, मेरे को इसके अंदर जो इसका डेटा एमएसजी है इसको भी अपडेट करना होगा, तो दोनों को अपडेट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, डॉलर हैज जो मेरे पास आईडी आई है करंट, उसके अंदर पहले फाइंड करो कि कौन सा स्पैन है वो जिसके अंदर वो टेक्स्ट है, ठीक है, उसको अपडेट कर दो। ठीक है, ये तो अभी मेरी साइड हो रहा है जब मैं मैसेज को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका हम मैसेज ये सेट कर देंगे जो भी अभी आपने डाला हुआ। ठीक है, तो ये कर दिया। एंड हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा काम है कि इसके एमएसजी को भी अपडेट करना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ओल्ड मैसेज जो इसमें पड़ा रहेगा तो वो ओल्ड मैसेज ही आपको हर बार दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आईडी के अंदर क्या करना है, फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, आपको अपना बेसिकली क्या है, अब मैं बताना भूल गया, एडिट ग्रुप चैट मॉडल। ठीक है, सॉरी, ये आपका एडिट ग्रुप चैट। ठीक है, एडिट ग्रुप चैट मॉडल नहीं, एडिट ग्रुप चैट। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे उसके अंदर एडिट ग्रुप चैट, उसका जो एट्रीब्यूट है .attr, कौन सा एट्रीब्यूट, आपका डेटा एमएसजी। ठीक है, इसको क्या करो, ये मैसेज सेट कर दो। ठीक है, ये करना है। एंड यहाँ पर हम एक बेसिकली ब्रॉडकास्ट करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे, मतलब ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने चैट को कि कौन सी चैट किस आईडी के लिए अपडेट हुई है, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल में हम राउटिंग वगैरह अपनी देख लेते हैं। तो अपने राउट्स के अंदर आते हैं, यूजर राउट। एंड लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लास्ट वाले को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिलीट, इसमें कर लेते हैं अपडेट। एंड यहाँ पर होगा आपका अप डेट ग्रुप चैट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हमने वो डबल वार लगाया था। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपडेट ग्रुप चैट। ठीक है, चलो वो लेक्चर में हो गया तो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पर हम इस न्यू लेक्चर में नहीं करते हैं मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊंगा और लाइक मैं डिलीट ग्रुप चैट को ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो नेम रहेगा वो ये रहेगा, अपडेट ग्रुप चैट। तो मैंने यहाँ पर अपडेट ग्रुप चैट कर लिया, और लास्ट में मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। अभी हमारा कोड बाकी है, उसमें करना क्या है, तो देखिए कोड के अंदर हमें करना क्या होगा, इसलिए हमें अपना चैट जो है अपडेट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप चैट डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये आईडी के बेसिस पर फाइंड किया, ठीक है, जो भी आपकी आईडी आएगी। एंड देन हम क्या करेंगे, अपना डेटा अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डॉलर सेट का यूज करेंगे, डॉलर सेट कॉलन, एंड आपका जो मैसेज होगा लाइक मैसेज कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एमएसजी, सॉरी, मैसेज करके ही आपका जो है की आ रहा है। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ये जो आपका बेसिकली की आ रहा है बेसिकली मैसेज है। ठीक है, तो यही आप यहाँ पर पास करिएगा वरना आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैसेज डाल देते हैं लाइक चैट अपडेटेड। ठीक है, तो ये जो है आपका मेथड क्रिएट हो चुका है अपडेट ग्रुप चैट का, और राउट भी आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, एंड यहाँ पर जो है आपकी चैट भी जो है अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं लाइक अभी जो है वर्किंग कर रहा है ने। मैं एक और यूजर को लॉग इन करा लेता हूँ जिसकी साइड पर हमें चेक करना होगा कि क्या ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट हो पा रहा है या नहीं। वो अभी ब्रॉडकास्टिंग का तो रहता है फिलहाल में, अभी हम देखेंगे दोनों तरफ, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ लाइक राहुल यूजर को। ठीक है राहुल, एंड यहाँ से मैं इसको लॉग इन करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इसके ग्रुप चैट पर, और यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को ही ओपन कर लेते हैं। बेसिकली लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं आइकन्स। ठीक है, तो मैं एक और बार अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी सेट है। ठीक है, तो लाइक ये इस पर क्लिक करेगा तो इसको ये आएगा। अब लाइक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसी की तरफ अपडेट कर लेते हैं। तो ये ग्रुप चैट्स पर आया, लाइक इसने लिखा हाय न्यू हेयर। ठीक है, एंड डॉट डॉट कुछ भी लगा दिया लाइक हाय आई एम न्यू हेयर, कुछ इस तरीके से मैसेज इसने अपडेट किया। ठीक है, अपडेट करता है, ये इसकी तरफ तो अपडेट हो रहा है, बट यहाँ पर देखते हो हाई न्यू ईयर हो रहा है, क्योंकि तो यहाँ पर जो है हमने अभी ब्रॉडकास्ट नहीं किया। ठीक है, लाइक हम ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया, लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आप अपना बेसिकली सेट करना चाहते हो। फिलहाल में मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ग्रुप चैट अपडेटेड। ठीक है, मतलब ये अपडेट किया गया। अब इसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा लाइक आईडी कॉलन आईडी, और मैं बता रहा हूँ कि आईडी ये आपकी रहेगी, और जो आपका मैसेज अपडेट हुआ है लाइक उसकी की ये रहेगी, लाइक मैंने यहाँ पर पास कर दिया एमएसजी। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको ब्रॉडकास्ट कर दो कि दूसरी तरफ भी जो है अपडेट हो जाए मैसेज। ठीक है, तो
तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने बेसिकली कहाँ पर, मेन डॉट जे एस, सॉरी ऐप डॉट जे एस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लास्ट में आते हो तो मैंने लाइक जैसे यहाँ पर नहीं लग रहा ये ग्रुप बेसिकली चैट अपडेटेड का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली लिसन करना है। ये यहाँ से इवेंट हमने क्रिएट किया, फायर हुआ, एंड यहाँ पर अब हम इसे कैच करेंगे। तो कैसे कैच करेंगे, ग्रुप चैट अपडेटेड के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से कैच किया। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिख दिया लाइक चैट, लाइक मैंने लिख दिया ग्रुप चैट मैसेज अपडेटेड करके। मैंने जो भी डेटा आया मेरे पास आईडी मैसेज, वो मैंने दोबारा से पास कर दिया। बट ये मैंने जो डेटा है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया कि सभी यूजर्स के पास चला जाए जो इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब हमें इसे शो कराना होगा। तो मेन डॉट जेएस के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें सिंपल लिसन करना होगा सॉकेट डॉट ऑन करके, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। एंड यहाँ पर हमें किसके विषय किसके ऊपर लिसन करना है, ये ग्रुप चैट मैसेज अपडेट के ऊपर, ठीक है। तो जब आपका मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा तो यहाँ पर हम लिसन करेंगे। एंड ये आपका फंक्शन होगा, फंक्शन, एंड फंक्शन के अंदर आपको पता है कि आपका आईडी एंड मैसेज आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ से गया, वो हमने डेटा यहाँ पर गेट किया था और डेटा को हमने डायरेक्ट यहाँ से ब्रॉडकास्ट ही कर दिया साथ के साथ। तो यहाँ पर आपको पता ही आईडी एंड मैसेज मिल जाएगा। तो मैंने डेटा यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, लाइक यहाँ पर आ रहा है ना, ये दोनों लाइंस को मैं जस्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डेटा आईडी, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली इसको नहीं, एडिट ग्रुप चैट ये नहीं आएगी बेसिकली लाइन, ठीक है। क्योंकि ये तो तब आता ना जब हम एडिट करते हैं तब, ठीक है। पर यहाँ पर तो हमें दूसरी साइड पर अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, लाइक डेटा और डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पर क्या होगा, जब जो दूसरी जो दूसरे यूजर्स होंगे, अन्य यूजर्स जो होंगे हमारे ग्रुप में, उनकी साइड ये मैसेज इस तरीके से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं क्या ये प्रॉपर वर्किंग करता है। मैं दोनों यूजर्स को यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बेसिकली स्क्रिप्ट रिफ्रेश हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं लॉग इन करूंगा अपने राहुल को, ठीक है। ये बेसिकली दूसरा बंदा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है संदीप लॉग इन है, ठीक है। दोनों एक ग्रुप में आते हैं लाइक प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, एंड देन ये भी आता है अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, सॉरी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पर। एंड यहाँ पर लाइक मैंने लिखा हाई एम न्यू हेयर, लाइक मान के चलिए अभी जो है राहुल अपनी चैट को अपडेट करता है, लाइक हाय संदीप, आई एम हाय गाइस, यहाँ पर इसने कर दिया हाय हाय गाइस, ठीक है। अब देखिएगा ये इसकी तरफ भी अपडेट होगा और ये इसकी तरफ भी अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपडेट किया, इसकी तरफ अपडेट हुआ और यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ। चलिए चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है इसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल पर भी कोई एरर नहीं है, लाइक ग्रुप चैट मैसेज डॉट अपडेटेड, ठीक है। आईडी स्पैन लाइक अभी हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर स्पैन वगैरह बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। स्पैन वगैरह है तो इस आईडी का हमें H5 स्पैन जो है अपडेट करना था, बट ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों नहीं है वो हमें चेक करना हुआ एक बार। लाइक ऐप डॉट जेएस के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पर ग्रुप चैट अपडेटेड चला एंड सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट हुआ, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये लिसन हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बना हुआ है एंड आपका ये भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम टेस्ट करते हैं कि क्या कंसोल डॉट लॉग हो रहा है सर्वर पर, ठीक है। डेटा करके मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ जो भी मेरा अपडेट हो रहा हुआ। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर इसके अंदर, और यहाँ पर भी मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, ये फ्रंट एंड साइड, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डेटा पास कर दिया, ठीक है। तो दोनों जगह हम चेक करने वाले हैं कि दोनों जगह हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, एक बार अगेन रिफ्रेश होने देते हैं इसको। और मैं यहाँ पर जो है टर्मिनल भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने टर्मिनल पर भी जो है कंसोल लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, ये अब आपका यहाँ पर लॉगिन होगा लाइक राहुल, एंड यहाँ पर लॉगिन होगा संदीप, ठीक है। और दोनों आते हैं यहाँ पर और दोनों ग्रुप्स के अंदर आते हैं, लाइक ये आया, ठीक है। सबसे पहले
यहाँ पर मैंने इसका ओपन किया हुआ है। लाइक मैं यहाँ पर भी जो है इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ। मतलब डीबगिंग कर रहे हैं यार प्रॉपर तरीके से, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो अभी हमें चेक करना होगा। लाइक ये यहाँ से अपडेट करता है, हाय गाइस आई एम न्यू, लाइक मैंने समथिंग जो भी लिख दिया, लाइक संदीप कर देता हूँ अगेन। एंड यहाँ से ये जो है अपडेट करता है, इसकी तरफ अपडेट हो रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हो गाइस, अपडेट मींस डेटा तो आ रहा है बट अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना होगा। बट यहाँ पर देखोगे, हाँ सही है, मतलब यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास आया है, बट ये जो है चला नहीं, ठीक है। क्यों नहीं चला वो अभी हमें चेक करना होगा। ये बेसिकली किस साइड नहीं चला है, यहाँ पर इस साइड नहीं चला है, ठीक है। तो डेटा डॉट मैसेज, लाइक अगर हम चेक करें तो यहाँ पर डेटा डॉट मैसेज भी है। सॉकेट डॉट कंसोल तो चल रहा है आपका प्रॉपर, ठीक है। फ्रंट एंड लाइक हैज, सॉरी मैंने यहाँ पर डेटा डॉट आईडी नहीं लगाया ना, इस वजह से नहीं चल रहा, तो ये दिक्कत होगी। बाकी तो आपका सही था, तो डेटा डॉट आईडी लगाना जरूरी था क्योंकि मैंने आईडी डायरेक्ट ही यूज करा था, ठीक है। तो आप आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो अगेन रिफ्रेश करता हूँ दोनों जगह, एंड अब मैं जो है प्रॉपर लॉगिन करता हूँ यूजर से, एंड अगेन चेक करेंगे हम। लाइक यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ अगेन, और ग्रुप चैट के पास आया, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये इसका ग्रुप चैट, ठीक है। लाइक किसने क्लिक किया, लाइक अभी ये जो है यहाँ पर करता है हाय गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे इसकी तरफ है हाय संदीओ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया अपडेट, इसकी तरफ अपडेट हुआ, यहाँ पर भी देख सकते हो तुरंत की तुरंत अपडेट हो चुका है, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये लिखता है गाइस वेलकम टू माई ग्रुप प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो है यहाँ पर इसकी मीनिंग सही नहीं है बट मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की तरफ जो है अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा लेक्चर की कैसे हमें अपडेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, हम उसमें ये देखने वाले होंगे कि ये मैसेज किसने सेंड किया, उसका नेम आए नीचे और टाइम भी आए साथ में, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो मेरे मैसेजेस हैं उनके नीचे मी आए, लाइक मी एंड उसका जो टाइम है वो क्या है वो यहाँ पर हमें शो कराना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।